नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 9 जनवरी 2020, और यहां पर हम लोग निफ्टी बैंक के स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे, जिन बैंकिंग स्टॉक्स के एनालिसिस, उसके देखेंगे कौन से स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बैंकिंग स्टॉक निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स को डाल दिया है, निफ्टी आईटी स्टॉक एनालिसिस डाल दिया है, फार्मा स्टॉक एनालिसिस डाल दिया है, साथ ही आपको 3 स्टार का वीडियो भी दे दिया है, और ये अब बैंकिंग स्टॉक्स का एनालिसिस है। अब देखिए, सबसे पहले एक्सिस बैंक, जो ऊपर की तरफ इसका रेजिस्टेंस है 740 से लेकर 45 तक का एक रेजिस्टेंस है। आज जो इसने हाई लगाया है लगभग 745 का ही हाई लगाया, कल अगर अपने हाई के ऊपर निकलता है तो 760 तक का लेवल, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ये कल 745 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग की पोजीशन बन सकती है एक्सिस बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए एकदम डोजी कैंडल है, बायर सेलर दोनों कंफ्यूज है, तो अभी हम लोग भी इसमें दूर रहेंगे, सिर्फ इस पर नजर बना के रखिए। अगर आप लोगों ने पोजीशन बनाया तो बिल्कुल 90 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। नया पोजीशन हमें 107 के ऊपर, 108 के ऊपर बनाना है 115 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ इंडिया नो ट्रेडिंग जोन में, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज ना करे, 70-71 के ऊपर क्लोज करेगा तो एक बार 75 के टारगेट के लिए पोजिशनली कॉल हो सकता है। अभी फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंक, देखिए सारे पीएसयू बैंक उसी तरह के कैंडल बना के ट्रेड कर रहे, तो अभी इससे हमें लोग दूर रहेंगे। केनरा बैंक एक जो यहां से इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, लोअर बैंड से अपर बैंड, अपर से फिर लोअर, देखिए लोअर से फिर अपन की तरफ, अपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। हम पोजीशन बनाएंगे 220 के ऊपर, टारगेट होगा हमारा 230 का, 240 रुपए का। अभी जब तक इस बॉक्स में फंसा हुआ, इस बॉक्स में ट्रेड नहीं हो सकता इस बॉक्स से, अभी हम लोग सिर्फ नजर रखेंगे 220 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 230 के लिए। फेडरल बैंक 92 के ऊपर पोजीशन बनेगा वापस से 110 के टारगेट के लिए, तो 92 के ऊपर निकलने दीजिए क्लोजिंग बेसिस पे, फिर हम लोग पोजीशन बनाएंगे। पहला टारगेट 100 का होगा, फिर दूसरा 110 का टारगेट होगा पोजिशनली फेडरल बैंक में। HDFC बैंक धीरे धीरे, जब तक इस बॉक्स को, अब ये जो बॉक्स बना हुआ है इसी बॉक्स के अंदर ये खेल रहा है, हमें इस बॉक्स के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। 1290 के ऊपर निकलेगा, सॉरी 1285 के ऊपर निकलेगा, 1310 का टारगेट देगा। नीचे अगर ये 1235 ब्रेक करेगा तो 1200 का टारगेट देगा HDFC बैंक। ICICI बैंक अच्छा ब्रेकआउट दिया, सीधे गैप अप ओपन हुआ, वहीं से जो ओपन हुआ वही उसका लो प्राइस है, और बिल्कुल उसके ऊपर आ गया, जो अपना रेजिस्टेंस था उसके अब आ गया, अब उस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है ऑलरेडी। हमें पोजीशन बनाना होगा दोस्तों, अब इसमें नया पोजीशन बनाएंगे, देखिए ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अब इस ट्रेंड लाइन को वापस जब ये ब्रेक करेगा, यानी 550 के ऊपर जब निकालेगा ना, तो हम पोजीशन बनाएंगे 560 के टारगेट के लिए। 550 के जब ऊपर निकलेगा तो 560 का एक टारगेट देगा ICICI बैंक। अभी फिलहाल यहाँ पे हम लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि वापस उसी बॉक्स में आ गया, तो हमें ऊपर 550 के ऊपर निकलने देते हैं, फिर पोजीशन बनेगा। IDFC फर्स्ट बैंक 45 के ऊपर बनेगा पोजीशन 52 के टारगेट के लिए। यहाँ पे नीचे में ये हमेशा एक मौका देता है एवरेज करने के लिए, तो ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाम सलाह करके कर सकते हैं। स्टॉक्स अच्छा है, खराबी नहीं है इसमें। इंडियन बैंक फिलहाल तो अच्छा है, अभी अब आगे का पता नहीं। इंडियन बैंक जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक ना कर दे 110 रुपए को, हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाए। 110 के ऊपर निकलेगा दोस्तों, एक टारगेट देगा 120 का। जब तक 110 के ऊपर क्लोज ना करे बस नजर बना के रखिए, इस पर कोई ट्रेड नहीं लेना है। इंडसइंड बैंक वापस उसी रेंज में आया, 1500 वाले रेंज में। अब अपना हायर हाई अगर बनाता जाता है, 1520 को अगर ब्रेक करता है तो 1550 का एक टारगेट मिल सकता है आपको। तो कल अगर ये अपने 1516-17-18 ये सब लेवल को अगर ब्रेक करे तो 1530-40 के टारगेट के लिए पोजिशन बनाया जा सकता है इंडसइंड बैंक में। कोटक बैंक फिर न्यूज है इसमें, है ना, तो न्यूज के बल पे जो है ये देखिए कैंडल भी उसी टाइम का बना है ऊपर। हमें अभी ये जब न्यूज जब चल रही है ना, तो हमें बिल्कुल केयर होकर काम करना है, ये वाले रेंज में काम नहीं करना। ऊपर अगर हमें 1685 के ऊपर क्लोज करता है तो एक बार फिर से वापस 1730 के टारगेट के लिए पोजिशन बनेगा। पोजिशनली अगर 1685 के ऊपर क्लोज करेगा इस बॉक्स के अंदर, तो वापस इस अपर बैंड को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो 1730 का टारगेट हो सकता है। नीचे अगर ये 1635 ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे की तरफ लेवल आएगा, 1600 का दिखा सकता है कोटक बैंक। ओबीसी यानी ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स दूर रहेंगे अभी से, कोई टारगेट कोई पोजीशन नहीं। अगर जिन लोगों ने पोजीशन पहले बना लिया है तो अपना स्टॉप लॉस कृपया दोस्तों मेंटेन करके चलिए 48 रुपीज का। पीएनबी होल्ड करिए, अगर इसके वापस स्टैंड लाइन को क्लोज करता है ऊपर की तरफ में 65 को, तो एक पोजिशन देगा 67 से 68 तक का। RBL बैंक नो ट्रेडिंग जोन में दूर रहेंगे, जिन लोगों ने पोजिशन बनाया 300 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। SBI देखिए, अब इस बॉक्स को वापस से अगर हम लोग लेंगे तो देखेंगे कि इसी बॉक्स के अंदर ये वापस आने की कोशिश कर रहा है ना, यानी इस बैंड को ये टेस्ट कर रहा है, तो अब जाहिर बात अपर बैंड के पास जाने की कोशिश करेगा। अगर ये 300
आज के हाई के ऊपर निकलता है 332-33 को अगर ब्रेक करता तो 340 तक का एक टारगेट दे सकता है अपर साइड में। अगला स्टॉक है येस बैंक और यूनियन बैंक, इन दोनों का चार्ट मैं अलग जगह पे देख लेता हूँ। चलिए येस बैंक का चार्ट देख लेते हैं सबसे पहले। हालांकि देखिए मेरा तो न्यूट्रल व्यू रहता है येस बैंक पे फिलहाल, क्योंकि सिर्फ न्यूज के बल पे ही ये चलता है, ऐसे तो ये चलता नहीं है, तो कोई ट्रेंड लाइन कोई सपोर्ट काम नहीं करेगा। अगर स्टॉप लॉस लगाना है दोस्तों 30 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। अगर ये शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट जब तक 55 के ऊपर नहीं निकलेगा कोई तेजी नहीं आएगी, वो भी तेजी आएगा जब न्यूज आएगा इसमें कुछ पॉजिटिव, तभी अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता इसका फिलहाल। यूनियन बैंक 53 के नीचे ये वीक है हमेशा, 54 के ऊपर क्लोज करेगा तो पॉजिटिव होगा। अभी भी ये वीक है नीचे की तरफ में, इस ट्रेंड लाइन को ऑलरेडी इसने ब्रेक किया हुआ जैसा कि मैंने बताया हुआ है पहले भी, इसको रिसेट करते हैं तो आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक करके इसके नीचे ही क्लोज किया है। तो स्टॉप लॉस लगाइए 48 का होल्ड करिए, अगर वापस से 55 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर अपर लेवल 60 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा यूनियन बैंक। तो दोस्तों ये था बैंकिंग स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू, अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए और मिलते हैं आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।